ब्रेकिंग न्यूज, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019, यूपी बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th रिजल्ट 2019। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी के साथ, एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आप सभी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए। तो दोस्तों जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 मचा दो शोर, हो गए पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसा सरकारी एग्जाम ने कहा था, जैसा मैंने कहा था, ठीक वैसा ही होने को है। और अब दोस्तों आप सभी कैंडिडेट जो लोग डर रहे हो अपने यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम से, तो दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि आप सभी का जो साल है वो बर्बाद नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी डिटेल देखने के लिए मेरे संग बने रहिएगा इस वीडियो में एकदम आखिरी तक और एकदम अंतिम तक। और इसी के साथ ही फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन बेल का घंटे वाला आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के संग शेयर करके उन तक भी अपडेट पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। तो फ्रेंड्स सब आई फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको अपनी अपडेट की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक डाउट और क्लियर कर दें, एक जानकारी और बता दें कि किस तरीके से आपको अपना यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 चेक करना है, वो भी अपने मोबाइल पर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपना यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 चेक कर सकें अपने मोबाइल में, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप। जी हाँ, सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप आप सभी को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, जहां से आप अपना यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 चेक कर सकेंगे अपने मोबाइल पर। और दोस्तों याद रहे सिर्फ एक नाम, sarkariexam.com, जहां से आप अपना यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 चेक करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों अपना एग्जाम रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आना है sarkariexam.com पे। sarkariexam एंड्रॉइड ऐप पे भी कुछ इसी तरीके का पेज ओपन होगा। sarkariexam पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है न्यू अपडेट के सेक्शन में, यहां पे एग्जाम रिजल्ट के सेक्शन, या फिर आपको यहां पे बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट की, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 के पेज पे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है ऊपर, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम बहुत ही जल्द होगा जारी। जी हां दोस्तों, बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, जहां पे आपको 10th और 12th की लिंक मिल जाएगी, आप अपना रिजल्ट यहां पे चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अपने यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप यहां से ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके यूपी बोर्ड रिजल्ट को चेक करने की। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की, कि मचा दो शोर, हो गए पास। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी डिटेल बताने के लिए आपको लेके चलते हैं जाने माने न्यूज चैनल आज तक की एक खबर की तरफ, जहां की लिखा हुआ है जैसा कि यूपी 10th 12th बोर्ड रिजल्ट 2018 में ऐसे रहे थे नतीजे, अब क्या है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों इस खबर की पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा रहा है, माना जा रहा है कि इस बार रिजल्ट अच्छा रह सकता है। ऐसे में जानते हैं पिछले साल कितने उम्मीदवारों में सफलता हासिल की थी। दोस्तों जब इसकी खबर पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद छात्रों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। वहीं बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल के आसपास जारी किए जा सकते हैं नतीजे। ऐसे में जानते हैं पिछले साल कैसा परिणाम रहा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, पिछले साल का यानी कि आपका वर्ष 2018 के बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी काफी ज्यादा अच्छा था। और दोस्तों जैसा कि सरकार एग्जाम बहुत पहले से कह रहा है आप सभी कैंडिडेट्स को कि 2019 का जो आपका रिजल्ट है वो सबसे अच्छा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस खबर को यहाँ पे इस बात को ये भी कहा गया है कि माना जा रहा है कि इस बार भी परीक्षा के रिजल्ट पिछले साल की तरह रह सकते हैं या इस प्रतिशत में थोड़ा इजाफा भी हो सकता है। तो दोस्तों 2018 की बोर्ड परीक्षा की तरह इस बार का रिजल्ट भी आपका अच्छा होने की उम्मीद है, बहुत ही ज्यादा अच्छा उन्होंने होने की उम्मीद है। और दोस्तों रही अब बात साल बर्बाद होने की, तो दोस्तों सभी कैंडिडेट जिन्हें डर है यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम से, उन्हें डर है कि कहीं उनका नंबर कम ना हो, कहीं वो फेल ना हो जाए, तो दोस्तों अब आप अपनी सभी तरीके की टेंशन छोड़ दो। तो दोस्तों अगर आप कल गलती से या फिर किसी तरीके से एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो भी जाते हैं, तो दोस्तों आप उसका कंपार्टमेंट का एग्जाम देकर, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर के अपना साल बर्बाद होने से रोक सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास सुनहरा मौका है क्योंकि रिजल्ट भी काफी अच्छा आने वाला है। और इसी के साथ ही अपना यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 चेक करने के लिए लगातार विजिट करते रहिए sarkariexam.com, बने रहिए हमारे साथ सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और हाँ दोस्तों अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप, ताकि आपको अपडेट मिल सके सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2019 की नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।